हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? क्या आप लोग फ़ोन पे यूज़ करते हैं? क्या आप सोचा है यही फ़ोन पे अकाउंट दूसरे देश में चलते हैं कि नहीं? इसी वीडियो में आप लोग को पूरा लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा। मैं हूँ आपका होस्ट मुजीबुल हक और आप लोग देख रहे हैं जिगंतर धारा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को रिक्वेस्ट करूँगा, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। चलिए पहले का जो स्टेप है आप लोग को दिखाऊंगा, प्रूफ करके दिखाऊंगा। अभी मैं कतर में हूँ, तो देखिए पहले आप लोग को लोकेशन दिखाता हूँ। कतर में हूँ मैं, गूगल मैप में जाइए, गूगल मैप में आप देखिए, आपको जो थोड़ा सा करके दिखाऊंगा आप लोगों को, करना पड़ेगा। देखो धीरे धीरे, ठीक है, आपको जूम करके दिखा देता हूँ। अभी देखिए मैं कतर में, ये देखिए छोटा सा देश है ये कतर, कतर लिखा है। आपको पूरा जूम करके क्लियर दिखा, देखिए कतर है पूरा, देखिए कतर। अभी इधर है मैं, तो आप लोग को तो मालूम पड़ गया मैं कतर में हूँ। तो अभी वीडियो जो फ़ोन पे यूज़, बाहर में जाएंगे तो आपको फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, वही जो प्रॉब्लम फेस होगा आपको, वो प्रॉब्लम के बारे में मैं आप लोग को बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो तक लास्ट तक जुड़े रहे। जो फ़ोन पे मेरा अकाउंट है, ये मेरा फ़ोन पे अकाउंट है, देखिए ये मेरा फ़ोन पे अकाउंट है। ये जो लोकेशन देखा है ना, वो जो अभी तक वो मुंबई से मैं दोहा आया था, कतर आया था, अभी भी मुंबई जो लोकेशन है मुंबई दिखा रहे हैं, क्योंकि कतर का जो लोकेशन है अभी तक नहीं दिखा है, क्योंकि फ़ोन पे का सिस्टम में नहीं है जो कतर में दूसरा देश में फ़ोन पे यूज होता है। लेकिन हाँ, फ़ोन पे यूज होता है अगर आप लोग का, ये देखिए आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस होगा। अब माई अकाउंट में गया, देखो माई अकाउंट मैं जब गया ना, माय अकाउंट में जो फ़ोन पे वॉलेट है, फ़ोन पे वॉलेट में गया, देखो मेरा जो वॉलेट है वो दिख रहा है। लेकिन जब यूपीआई ट्रांजेक्शन करने के टाइम में आप देखिए, आपका यूपीआई बैंक अकाउंट यूपीआई, अभी लिंक लिंक भी दिख रहा है, लेकिन लिंक दिख रहा है लेकिन काम नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा जो एक बैंक लिंक है एसबीआई का, वो मान लो इसका बैलेंस चेक करेंगे तो चेक बैलेंस में आप क्लिक किया तो क्या दिखा रहा है, अभी वोडाफोन और ऑर्डो इधर का सिम है। तो अभी इसको कंटिन्यू करने को, जो वो ये है ना ओटीपी देने के बाद जो लिंक होता है, वो लिंक फिर भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो नंबर है, जिस नंबर पे आप फ़ोन पे अकाउंट खुला है उसी नंबर इधर भी आपको चलना चाहिए। अगर नहीं चलेगा तो फ़ोन पे अकाउंट आप चला नहीं सकते। ये जो प्रॉब्लम है आप लोग का, जो जो सोच रहे हैं दूसरा देश में जाके यही फ़ोन पे यूज़ करूँगा, लेकिन आपको यही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। जो जिस देश में जाएंगे उस देश में आपका जो नंबर है वही नंबर को फिर वो देश में आपको चलना पड़ेगा, वो देश में आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि एसएमएस आएगा, जो ओटीपी आएगा वो आपको आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो फ़ोन पे आप नहीं नहीं चला सकते। तो ये प्रॉब्लम अगर आप जिस अकाउंट नंबर से आप खुला है फ़ोन पे अकाउंट, तो वही नंबर आपको जिस जिस देश में जाएंगे उस देश में आपको चलाना पड़ेगा, क्योंकि वो नंबर चलने के लिए जो रोमिंग चार्ज है आप भरेगा तो आप चला सकते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम फेस मेरा हो रहा है, यही देखिए मेरा तो सिम नहीं लेकर आए हैं, फिर भी आप लोगों को बोल रहा है, अभी जब सिम मांग रहा है ओटीपी, ओटीपी में नहीं दे पाए इसलिए मेरा नहीं चल रहा है, यही प्रॉब्लम फेस होगा आप लोगों का। और मेरे का लाइव हिस्ट्री इधर आके मैं फ़ोन पे से रिचार्ज किया है, मोबाइल रिचार्ज किया है, हाँ एक जियो रिचार्ज किया है, देखिए जियो रिचार्ज 149 का जियो रिचार्ज किया है मैं, वो वॉलेट बैलेंस था इसलिए रिचार्ज हुआ। लेकिन अगर यूपीआई ट्रांसफ़र करने के टाइम में बैंक खाते में 1 रुपया आप सेंड नहीं कर सकते, जब तक आपको वही नंबर से ओटीपी नहीं दे पाएंगे। लेकिन ओटीपी आपको वही नंबर आपका मोबाइल पे होना चाहिए, मोबाइल पे नहीं होगा तो आप
नहीं होगा, इसलिए आपका जो प्रॉब्लम होगा, आपको मोबाइल में वही नंबर चाहिए और ओटीपी भी चाहिए। ओके, थैंक यू।